हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने बात करेंगे क्लास थर्ड के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन बी की। ठीक है, तो इसमें अपने को सिंपली सम दे रखा है। ठीक है ना, सिंपल सम दे रखे हैं इसमें अपने को। तो अपने उनको करना कैसे, देखना ध्यान से। थोड़े से अलग टाइप के सम है, देखना थोड़े से चेंज हैं पहले वाले से। ठीक है ना, करना वैसे ही पड़ेगा जैसे अपने पहले करते थे। देखना, अब मान लीजिए फर्स्ट है ना, बी हो गया, बी का फर्स्ट यानी पहले टू, यानी ये वाला डिजिट 2 7 3 में अपने को ऐड करना है। देखना, 2 ये फर्स्ट जो वाला है, इसमें 2 7 3 में अपने को ऐड करना है। 8 का साइन आ गया, 7 3 7 8 3, यानी पीछे से लिखो 8, फिर पीछे 7 यानी ये वाले डिजिट और 3, यानी पीछे से अपने को सेट करनी है। ठीक है ना, आगे अगर डिजिट कोई खाली रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन पीछे से अपने को लिखना होता है। ठीक है, आगे से नहीं लिखते, चाहे कितने भी डिजिट हों, अपने पीछे से लेके आते हैं उनको। ठीक है ना, तो इसमें अपने को ऐड करना है। ठीक है ना, 8 3 हो गया 11, 11 का 1, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस कैरी 1 15, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये लो हो गया। ठीक है, अब अपने पीछे से क्यों लेना है, देखना ध्यान से। मान लीजिए आपके पास में कोई वैल्यू है 3 2 1 4 प्लस में 4 2 प्लस में 3 2 1। ठीक है ना, पहले ये आप सीक्वेंस में पहले ये लिखो जो पहले दी गई है 3 2 1 4। ठीक है, अब ये 42 यानी प्लस आ गया अभी इसमें, अभी 42, तो पीछे स्टार्ट करो 2 और फिर 4। ठीक है, फिर ये प्लस का प्लस आ गया और ये है 3 2 1, तो 1 फिर 2 फिर अपने इस 2 के नीचे 3। ठीक है, अब इनको ऐसे ऐड करना है अपने को। ठीक है ना, यानी ये वाली तीनों ऐड होंगी, पीछे से अपने को फिल करके लेके आनी है डिजिट को। ठीक है ना, डिजिट के नीचे अपने को डिजिट लिखना है। ठीक है, और इनको ऐसे अपने को ऐड करके लेके आना है। ठीक है, तो ये वाली तो सारी मतलब इक्वल ही हैं, 3 3 हैं सभी में। ठीक है ना, तो ये अपने आराम से कर सकते हैं। एक मैंने करवा दिया, बाकी आपको करने लिख के आराम से कर देने आपको। ठीक है, तो ये अपना हो गया अभी। और आज का आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन भी रहेगा, यानी क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, बुक में तो प्लेस है ही नहीं, तो आपकी नोटबुक में इसको आपको करना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया।